Hi Evan, how are you? As you all know that we are doing this series where you're going to ask a question, I'm going to answer them regarding Pakistani-Indian visa thing. So let's start. So this is the Mr. Kashan Sheikh. Kashan Sheikh, how many times a Pakistani will get an Indian visa in a year? Well, Kashan, एक बार मिल जाए बहुत है. So I think you can re-entry after you get the visa. You can extend it as many time as you want. So first, if you get in visa, then you're lucky. So who's next? It's Mazhar Khan. Okay, the thing I want to ask is, I have relative in Kohat, but I want to visit Lahore, and I don't have relatives in Lahore. And I read somewhere that for every state you need to mention relation, maybe something like that. So you can please tell me anyway. I have more queue, but I can't write the whole story here. And if you're comfortable with email, then please put it in your description. Well, I'm not comfortable with the email thing because I don't have much time to read that. So इसीलिए मैंने सबकी हेल्प करने के लिए कह दिया था कि write the question in the YouTube comment section and I'm gonna answer that. So Mazhar Khan, thing is that for every state, if someone is inviting you, so वो उसी जगह का होना चाहिए. Getting my point? मतलब अगर मैं लेट सपोज लाहौर से हूँ, मैं आपको किसी इवेंट के लिए बुला रहा हूँ, या कि आप मेरे रिलेटिव हैं, कोई भी इवेंट के लिए मैं आपको इनवाइट करता हूँ, और मैं अगर हूँ कराची में, तो ऐसा होता नहीं है. आप जहाँ के होते हैं, आपकी वीज़ा लगेगी ही वहीं के लिए. सो मेक श्योर दैट हाँ, वंस यू अराइव इन पाकिस्तान, देन यू कैन अप्लाई एंड देन यू कैन गेट दी स्पेशल परमिशन. अगेन, यू हैव टू पुट अप द केस विद द पाकिस्तान वीज़ा ऑफिस दैट आई वॉन्ट टू विजिट देर एंड देर. वहाँ के लिए भी आपको इन्विटेशन चाहिए होगा, सेम प्रोसेस होगा, लेकिन यहाँ पे आके चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी वंस यू गेट द वीज़ा. सो अगर आपको लाहौर आना है, सो जो भी आपको इनवाइट कर रहा है वो केस बनाए कि यार मेरा लाहौर में कोई इवेंट है. जो अगर अगर जेन्युइन इवेंट होगा और चीज़ें जेन्युइन होंगी, तो यू विल गेट दी परमिशन टू गो देर. सो हो पॉसिबल है ये, इट्स नॉट इम्पॉसिबल थिंग. सो अच्छा यार, मैं एक और चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगेन, बहुत से लोग मुझे वापस इंस्टा, फेसबुक पे और वहाँ ईमेल भी कर रहे होते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे ही आप अपना क्वेश्चन पुट ऑन कर दें, बिकॉज मैं वो वहाँ रीड करता नहीं हूँ, तो कोई फ़ायदा है नहीं. सो अगेन, समीर मौरी कहते हैं, मौरी भाई हमको इंडिया से पाकिस्तान जाना है, तो इन्होंने हिंदी में लिखा है, तो मैंने मनीषा से पूछा था कि हिंदी में क्या लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है क्या क्या प्रोसीजर जाएगा, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आप मेरी इतनी हेल्प कर दो. तो यार इंडियन वाइफ होने का फ़ायदा ये कि हिंदी आपको आ जाती है, और नहीं आए तो फिर वो बता देती हैं. तो यार समीर मौरी, आपको जो जो प्रोसीजर पूछना है, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो भी आपके साथ हुआ मेंशन करें नीचे, तो मैं उस पर आपको गाइड कर पाऊँगा. क्या क्या प्रोसीजर उसके लिए, तो चार किताबें भी लिख दी जाएँ तो कम है. तो आई थिंक यू शुड कंसल्ट दी रिस्पेक्टिव वीज़ा ऑफिसेस, गेट द इंफॉर्मेशन एंड देन आप अप्लाई करें. आपको कोई प्रॉब्लम आएगी फिर आप मुझसे पूछिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दानिश एंड फूड वीलॉग. भाई मेरे होने वाली बेगम इंडिया में है, और मैं 6 साल से अप्लाई कर रहा हूँ, और पूरा ननियाल है, फिर भी मुझको नहीं मिल रहा, हर बार खाली वापस आ जाता हूँ. पासवर्ड मैं क्या करूँ भाई, प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी. दानिश, थिंग इज़ दैट प्लीज़ अपना पूरा केस यहाँ पे मेंशन करें कि आप अप्लाई क्या कर रहे हैं, आपको इनविटेशन क्या मिल रही है, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है. एक्चुअली कभी कभार ये होता है कि थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और थोड़ा केस गलत बनाने से भी चीज़ें रिटर्न हो जाती हैं, तो रिटर्न के साथ कोई रीज़न अगर आ रहा है तो प्लीज़ मेंशन कर दें. एंड देखिए, होता ये है कि आपकी जब मतलब एज़ यू से कि आपकी होने वाली बेगम इंडिया में है, तो आपकी शादी हो गई है, निकाह हो गया है या नहीं हुआ है, तो ये चीज़ें मेंशन करना काफ़ी ज़रूरी है. छोटी सी डिटेल्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं. अगर तो आप लीगली मैरिड हैं और या कि निकाह हो चुका है आपका, तो मेरे ख्याल से तो इजीली मिल जाता है, लेकिन अगर होने वाली, अगर आपका कुछ ऑन पेपर कुछ लीगल अभी तक कोई डॉक्यूमेंट बना नहीं है, तो प्रॉब्लम्स आती हैं उसमें. तो प्लीज़ अपनी जब भी क्वेश्चन करें तो पूरा केस डिटेल लिख के दें, तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कोई हेल्प कर सकता हूँ. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. सो नेक्स्ट टाइम प्लीज़ पूरा क्वेश्चन जो है ओपन करके लिखा करेगा. थैंक यू. ओके, एंड नेक्स्ट इज सैयद आयत. मेरी लव स्टोरी है पर मिलना मुश्किल है, इसलिए आप पूछ रहे हैं आप दोनों कैसे मिले. आई आई डोंट आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग माई लव स्टोरी.
हाँ बट आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइस बिकॉज मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, हम बहुत मेहनत है इस चीज़ों में, मैं हर चीज़ से गुजरा हुआ हूँ तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बाकी मेरी लव स्टोरीज आई आई एम नॉट कंफर्टेबल राइट नाउ, एटलीस्ट मे बी इन फ्यूचर बट नॉट नाउ। ओके हसन अब्बास कहते हैं ब्रो अगर पाकिस्तान लड़की से शादी करके इंडिया लाओ तो क्या प्रोसेस है? प्रोसेस बहुत लंबा है हसन अब्बास साहब, आप कोई रिस्पेक्टिव एम्बेसीज में जाएं, इन्फॉर्मेशन लें, वेबसाइट पे जाएं, इन्फॉर्मेशन लें, केस बनाएं, अप्लाई करें और फिर प्रॉब्लम आती तो आई विल हेल्प यू आउट। ओके सलमान खान आई वॉन्ट टू विजिट पाकिस्तान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, प्लीज़ हेल्प मी, हाउ कैन आई अप्लाई फॉर पाकिस्तानी वीज़ा? अगर आपको पाकिस्तान आना है तो सलमान साहब पाकिस्तान में कोई इनवाइट अगर आपको कर रहा है तो मेक श्योर कि उन्होंने आपको इनवाइट किया हो, उसमें वो आपका केस पुट ऑन वो लोग करेंगे और आप लोग आप भी करेंगे और उसके बाद आप पाकिस्तान आ सकते हैं, मतलब कोई ना कोई आपको इनवाइट करेगा तो ही आप आ सकते हैं, बिकॉज हमारे यहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा तो ओपन है नहीं, तो यही विजिट वीज़ा ही होता है, वो भी किसी के इनविटेशन पे ही हम आ सकते हैं, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल। ओके ओलिवम आई आई होप मैं नाम सही ले रहा हूँ, प्लीज़ टेल मी अबाउट वेडिंग वीज़ा इनविटेशन, दोनों फैमिलीज एंड सभी रिलेटिव खुश हैं एंड 6 साल हो गए हैं हमारी सगाई को एंड वो पाकिस्तान से है बट इटली में रहते हैं, पूछना बस इतना है कि सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी ना, बिकॉज सबको अक्टूबर का टाइम दिया है शादी का और इटालियन एम्बेसी ने कहा है कि वेडिंग वीज़ा इनविटेशन अप्लाई करें, तो मेरे मंगेतर मार्च में इटालियन एम्बेसी गए हुए, उन्होंने कहा कि आप अपने ससुराल वालों को कहो कि आपको वेडिंग वीज़ा इनविटेशन भेजे, तो यहाँ पता किया सिर्फ यही कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट रखें, बट सबको अक्टूबर का कहा है वेडिंग वीज़ा इनविटेशन मिल जाएगा ना, ज़्यादा लेट तो नहीं होगा, आप जवाब देना और जवाब की जल्दी, हम भी एक हो जाएं, सबका सपोर्ट है, बस आप दोनों मिलकर सरकार भी सपोर्ट कर दे और हम हमेशा के लिए एक हो जाएं। बड़ा ही खुशी भी सुन के, आई एम रियली हैप्पी टू रीड दैट फाइनली आप लोगों की शादी होने वाली है, घर वाले भी खुश हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, बहुत अच्छा लगता है लोग जब अपनी लव स्टोरी शेयर करते हैं और सक्सेसफुल लव स्टोरी शेयर करते हैं तो और अच्छा लगता है, सर दूसरों को भी मोटिवेशन मिलती है, तो थिंग इज़ दैट कि बिल्कुल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों का वीज़ा प्रॉपरली इनविटेशन बना हुआ हो, क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि व्हेन यू अप्लाई फॉर द वीज़ा और अगर इनविटेशन प्रॉपरली उसमें कोई डॉक्यूमेंट की भी कमी आती है तो मसले आ जाते हैं, सो मेक श्योर द इटालियन एम्बेसी ने जो भी आपको रिक्वायरमेंट दी है आपने पूरी कर दी हो, और नॉर्मली मेक श्योर कि जब भी आपके ऐसे प्लान्स हों तो उसमें आप वर्किंग पहले से स्टार्ट करें, जैसे आपने कहा कि आपने अक्टूबर में वेडिंग करनी है, लेकिन आई होप कि आपने जनवरी से तैयारी कर ली होगी, क्योंकि इनमें कॉम्प्लिकेशंस मसले और डॉक्यूमेंट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं तो उसमें टाइम लग जाता है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट है पूरी करें, बिकॉज एक रिक्वायरमेंट भी कम होगी तो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, सो मेक श्योर कि आप रिक्वायरमेंट पूरी करें, बाकी आई एम रियली 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 हैप्पी दैट फाइनली यू पीपल आर गेटिंग मैरिड एंड इट्स इट्स अ गुड टू नो दैट बहुत से लोग सक्सेसफुल उनकी लव मैरिज जो है प्रॉपरली सक्सेस हो जाती है और बहुत अच्छा लगता है देखकर, और आपने भी लव स्टोरी शेयर की, थैंक यू सो मच, और अगर आप जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब यही दे सकता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं उसको आप वक्त से पहले प्रॉपरली कंप्लीट करके एम्बेसी में सबमिट करा दें, क्योंकि आपका जो टारगेट अक्टूबर है उसमें अगर डॉक्यूमेंट में कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो डिले हो जाता है, डिलेज होते हैं इस चीज़ में, तो आई होप कि डिले ना हो, आप लोगों ने डॉक्यूमेंट पूरी तरह से उनको सबमिट कर दिए हो एंड आपका फंक्शन ईजीली हो जाए, और एक दो नए कमेंट्स मेरे वीडियो पे आए थे जिसमें लोगों ने पूछा कि वीज़ा प्रोसेस क्या है, तो मैं उनको वापस गाइड कर दूँ, इट्स वेरी सिंपल, इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट पाकिस्तान और इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट इंडिया, आपका कोई इनविटेशन देने वाला रिलेटिव होना चाहिए, रिलेटिव नहीं फ्रेंड भी हो सकता है, कोई इवेंट होना चाहिए, मतलब बुलाने की कोई वजह होनी चाहिए, जो भी आप केस पुट ऑन करेंगे उसको प्रॉपरली पुट ऑन कीजिएगा, उसमें कुछ भी फेक नहीं होना चाहिए, उसमें दोनों मुल्कों की जो एम्बेसीज हैं उनके गाइडलाइंस के हिसाब से होना चाहिए, और केस इतना अच्छा होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम में ही आपका वीज़ा लग जाए, बिकॉज वंस एक बार वीज़ा नहीं लगता तो बहुत डिफिकल्टी हो जाती है, मेक श्योर कि पहली बार में ही आप केस ऐसे प्रेजेंट करें और वो जेन्युइन होना चाहिए हर तरीके से, ताकि एम्बेसीज उसको रिजेक्ट ना कर पाए, बिकॉज जब वापस केस जाता है तो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं,
कहते हैं ना फर्स्ट गो में हो गया तो बहुत अच्छा होता है, तो ऐसा ही है, अगर फर्स्ट गो में हो जाता है तो बहुत अच्छा होता है। तो जो लोग भी बोलते हैं यार वीज़ा प्रोसेस क्या है और हमें बताएं, तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान इंडिया में कोई टूरिस्ट वीज़ा नहीं है, एक ही वीज़ा मिलता है, वो जब कोई रिलेटिव आपको बुलाएं, इनविटेशन दें, रिलेटिव हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई रीज़न से आपको इन्वाइट करें कंट्री में विथ एवरी डॉक्यूमेंट एंड एवरी थिंग एज़ पर दी एम्बेसीज ऑफ बोथ कंट्री, वो लोग के प्रोसीजर लिखा हुआ होता है अपनी वेबसाइट में और हर चीज़ वहाँ मैंशन होती है। आपका काम यह है कि आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, आपका केस जेन्युइन होना चाहिए, आप केस पुट ऑन करें, आप कोशिश ये होनी चाहिए दैट आपका वीज़ा फर्स्ट गो में लग जाए, सेकेंड गो में जाके चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सो आई होप दैट दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल। और जो मेरी लव स्टोरी के बारे में पूछते हैं यार, आई एम नॉट कम्फर्टेबल टू शेयर इट राइट नाउ, मे बी इन फ्यूचर, मे बी राइट नाउ, एंड थिंग इज दैट आई एम हियर टू गाइड यू गाइज, बिकॉज मैं उन सब चीज़ों से गुजरा हुआ हूँ जिस चीज़ों से आप गुजर रहे हो। तो अगर मेरी वजह से इफ यू इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू गो थ्रू दिस प्रोसेस, देन आई एम बी वेरी ग्रेटफुल। सो यही है कि मैं अपने एक्सपर्टीज से आपकी हेल्प करता रहूँगा, और अगेन बोलूँगा किसी लॉयर के पास नहीं जाइएगा, सब बेकार है, टाइम वेस्ट करेंगे आपका, साल बर्बाद करेंगे आपके, बिकॉज कोई एक्सपर्ट नहीं है यहाँ पे जो आपको डायरेक्ट काम करवा दे, जो होता है प्रोसेस प्रोसीजर से होता है, जो भी होता है एज पर दी लॉ होता है, और जो लॉयर है हाँ अगर आपको गाइड करे इट्स वेरी गुड, लेकिन अगर कोई ऐसा क्लेम करता है कि मैं करवा दूंगा, नहीं होता, इट टेक्स टाइम। जो पॉलिसीज अगर आप खुद केस पुट आउट करोगे इट विल बी वेरी ग्रेट, और अगर आप वो केस मेरे साथ पूरा शेयर करते हैं तो मैं उस केस में आपकी हेल्प कर दूंगा। आई होप दिस वीडियो इज इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल यू गाइज एंड यू गेट थ्रू दिस हेक्टिक प्रोसेस, एंड किसी के अंदर कोई कन्फ्यूजन है तो वो थोड़ी दूर हो जाए, तो बस आप शेयर करें और अपनी लव स्टोरी जो सक्सेसफुल है वो भी शेयर करें। अच्छा, किसी ने मुझे सवाल किया था कि दे वॉन्ट टू गेट मैरी इन दुबई, तो यार थिंग इज़ दैट कि दुबई में विजिट वीज़ा पे मैरिज नहीं होती, किसी भी एक का रेजिडेंट वीज़ा होना चाहिए। सो मैंने सोचा कि मैंने कहीं कमेंट पढ़ा था, शायद कमेंट सेक्शन में पढ़ा था, मुझे मिल नहीं रहा, बट मेरे दिमाग में था ये सवाल कि किसी ने पूछा है तो जवाब देना है उसका। तो यार अगर आप दुबई में जाके शादी करेंगे विजिट वीज़ा पे शादी नहीं होती, हाँ अगर दुबई में आपके पास रेजिडेंट वीज़ा है किसी भी एक का, तो एक विजिट वीज़ा और एक रेजिडेंट वीज़ा के बेस पे शादी हो सकती है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू एंड आई विल कीप सपोर्टिंग ऑल यू गाइस। सो तब तक के लिए टेक केयर। What does perfect even mean?